राधे राधे व्यूअर्स, आज मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बताऊंगी। और ये डिज़ाइन हमारा सीधी तरफ से ऐसा दिख रहा है और इसकी बैक साइड ऐसी दिख रही है। तो ये डिज़ाइन दो दो फंदों का डिज़ाइन है, दो फंदे दो फंदे दो फंदे दो फंदे, और एक फंदा और डालेंगे तब ये डिज़ाइन इस तरीके से सेट होगा और चार सिलाइयों में ये डिज़ाइन बन जाता है। इन्हीं चार सिलाइयों को जब आगे आगे रिपीट करेंगे तो ऐसा डिज़ाइन बन के आएगा। तो ये डिज़ाइन आप किसी भी स्वेटर में डाल सकते हैं, जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, कार्डिगन, बच्चों के स्वेटर, कैप, मफलर, किसी में भी इसे डाल सकते हैं। बहुत खूबसूरत सा ये डिज़ाइन है। तो इसे बनाने के लिए मैंने इसमें 11 फंदे डाल लिए हैं और सीधी सिलाई है हमारी। तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, ऊन अपनी साइड करेंगे और एक फंदा उल्टा बनेंगे, ऊन को पीछे किया। अब जो एक फंदा है इसमें से यहाँ से सिलाई डालेंगे और एक लूप निकालेंगे, ऐसे एक फंदे से चार फंदे बनाने हैं। तो एक लूप निकाला, धागा आगे किया, फिर इसी से एक और लूप निकाला और फिर इस फंदे को बुन लिया पीछे से। तो पहला फंदा स्लिप किया, एक फंदा उल्टा और एक फंदे से चार फंदे बनाए। तो बस इन्हीं दो फंदों को आगे आगे रिपीट करेंगे। फिर एक फंदा उल्टा, उनको पीछे किया, अब इस यहाँ ये सिलाई डालेंगे, एक लूप निकाला थोड़ा सा लंबा, फिर धागा अपनी तरफ किया, फिर इसी में से एक लूप निकाला और फिर एक फंदा पीछे से ये बुन लिया। तो एक फंदा उल्टा और एक फंदे से चार फंदे बनाते हुए पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। फिर एक फंदा उल्टा, इस फंदे में चार फंदे बनाएंगे, एक दो तीन और पीछे से बुना चार। फिर उन अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, उनको पीछे किया, यहाँ ऐसे सिलाई डाली, एक धागा लपेटा, ऐसे अपनी तरफ किया, दो फिर तीन और पीछे से ये बुना चार। फिर उन अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, लास्ट में एक फंदा सीधा बुनते हुए। ये डिज़ाइन की पहली सिलाई है। अब इसकी उल्टी सिलाई है, दूसरी सिलाई है। तो पहला फंदा तो स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और एक फंदा और सीधा बुनेंगे, चार फंदों में से एक फंदा और सीधा बनेंगे। फिर ऊन अपनी साइड करेंगे और इन तीन फंदों को स्लिप करेंगे। एक फंदे से चार फंदे बनाए थे जिसमें हमने एक फंदा यहाँ पर सीधा बुन लिया है, तीन फंदे स्लिप किए। फिर ऊन पीछे, एक फंदा सीधा, फिर ये जो चार फंदे हैं इनमें से एक फंदा और सीधा बनाएंगे। तो यहाँ पर दो फंदे सीधे हो गए, ऊन अपनी साइड करेंगे, तीन फंदे स्लिप करेंगे। फिर ऊन पीछे, ये दो फंदे हो जाते हैं ऐसे, एक फंदा तो सीधा था और एक हमने तीन फंदों में से सीधा फंदा बनाया है, उनको अपनी साइड करेंगे, तीन फंदे स्लिप करेंगे। फिर उन पीछे, एक फंदा सीधा और एक फंदा सीधा बनेंगे, उन अपनी साइड करेंगे, तीन फंदों को स्लिप करेंगे। उनको पीछे किया, एक फंदा सीधा बना, लास्ट वाला उल्टा बुनते हुए ये हमारी दूसरी सिलाई कंप्लीट हुई है, जिसमें हमने पहला फंदा स्लिप किया, एक फंदा सीधा बुना, फिर चार फंदों में से एक फंदा सीधा बुना। तो यहाँ दो फंदे सीधे, तीन फंदे स्लिप, दो फंदे सीधे, तीन फंदे स्लिप, दो फंदे सीधे, तीन फंदे स्लिप। इसी तरीके से दूसरी लाइन बन गई है उल्टी सिलाई की। अब तीसरी सिलाई है और सीधी सिलाई है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, अब उनको पीछे किया, अब इन जो तीन फंदे हैं इनको इस तरीके से इस सिलाई पे लेंगे, ऊन को अपनी साइड करेंगे और इस एक फंदे को उल्टा बुनेंगे। अब उनको पीछे किया और ये जो तीन फंदे हैं इस एक फंदे उल्टे वाले के ऊपर से ऐसे ड्रॉप करेंगे, फिर ऊन अपनी साइड करेंगे, एक फंदा उल्टा। तो बस इन्हीं फंदों को हम आगे से रिपीट करेंगे। फिर तीन फंदों को ऐसे इस सिलाई पे लिया, ऊन को अपनी साइड किया, उल्टा फंदा बुना, फिर उन पीछे की और जो तीन फंदे हमने स्लिप किए थे इनको इस तरीके से इसके ऊपर पास कर देंगे, फिर उन अपनी साइड करेंगे, एक फंदा उल्टा बनेगा। फिर उन पीछे की, तीन फंदे इस सिलाई पर लेने के बाद में उन अपनी साइड करके एक फंदा उल्टा बनेंगे, उनको पीछे किया, फिर इन तीन फंदों को इस एक फंदे के ऊपर से ड्रॉप कर देगा, उन अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, उनको पीछे किया। अब ये जो तीन फंदे हैं इनको इस तरीके से हम सिलाई पे लेंगे, फिर ऊन अपनी साइड करेंगे, एक फंदा उल्टा बनेंगे, ऊन को पीछे किया और जो तीन फंदे हमने स्लिप किए हुए थे इस एक फंदे के ऊपर से ड्रॉप कर देंगे।
फिर ऊन अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, लास्ट वाला फंदा सीधा बुनते हुए हमारी तीसरी सिलाई बन गई है और डिज़ाइन भी बन गया है। अब इसकी चौथी सिलाई है, तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा। इस उल्टी सिलाई में एक सीधा, एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक फंदा उल्टा बुनते हुए ये चौथी सिलाई कंप्लीट होगी। अब इसकी पांचवी सिलाई है और अब डिज़ाइन, ये तो बन गया एक डिज़ाइन, अब इसके ऊपर यहाँ पे बनेगा, यहाँ यहाँ, और इस पे उल्टा फंदा आएगा, यहाँ पे डिज़ाइन बनेगा। तो अब इसकी पांचवी सिलाई है, तो पहला फंदा स्लिप करेंगे और यहाँ पे हम डिज़ाइन बनाएंगे इस उल्टे फंदे पर। तो यहाँ से ऐसे सिलाई डालेंगे, एक फंदा लिया उन अपनी साइड की, फिर इसी में से एक फंदा, फिर पीछे की साइड से एक फंदा बुनेंगे, फिर उन अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, उनको पीछे किया। अब यहाँ पर डिज़ाइन बनेगा, तो यहाँ ऐसे सिलाई डालेंगे इसमें और फिर उन अपनी तरफ की, फिर इसी में से एक फंदा बनाया और फिर पीछे से बुन लिया। तो ऐसे ही पूरी सिलाई में हमें डिज़ाइन चेंज करते हुए जाएंगे। फिर उन पीछे, अब इस उल्टे वाले में डिज़ाइन बनेगा, ऐसे एक फंदा उन अपनी साइड की, दो फंदा, और फिर पीछे से ये फंदा बुना, चार फंदे हो गए। एक फंदे के चार फंदे बनाते हुए इस सिलाई को हम कंप्लीट करेंगे। ये हमारी पांचवी सिलाई है और डिज़ाइन जो है वो चेंज होगा। फिर एक फंदा उल्टा, उनको पीछे किया, अब यहाँ डिज़ाइन बनेगा, तो ऐसे धागा लंबा किया थोड़ा सा, ऊन अपनी साइड की, फिर इसी में से एक बार बुना, फिर पीछे से बुन के चार फंदे बनाए और लास्ट वाला फंदा सीधा बना। तो ये पांचवी सिलाई बन गई है और पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उनको पीछे किया, अब यहाँ हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, उनको अपनी साइड किए, तीन फंदे स्लिप करेंगे, फिर उन पीछे दो फंदे सीधे, उन अपनी तरफ तीन फंदे स्लिप, फिर उन पीछे दो फंदे सीधे, उन अपनी तरफ और तीन फंदे स्लिप, फिर उन पीछे दो फंदे सीधे और तीन फंदे स्लिप, फिर दो फंदे सीधे उन अपनी तरफ करेंगे, तीन फंदों को स्लिप करेंगे, लास्ट वाला फंदा उल्टा बनेंगे। तो ये दूसरी सिलाई बन गई है, अब इसकी तीसरी सिलाई है, तो पहला फंदा स्लिप करेंगे और इन तीन फंदों को अपने इस सिलाई पे लेके फिर उन अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनेंगे और फिर इन तीन फंदों को इस एक फंदे के ऊपर से ड्रॉप करेंगे। आगे भी इसी तरीके से बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, उनको पीछे किया, पहले इन तीन फंदों को सिलाई पे लिया, फिर उल्टा फंदा बुना, उसके बाद इस उल्टे फंदे के ऊपर से तीन फंदों को ड्रॉप किया, फिर उन अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, उन पीछे इन तीन फंदों को स्लिप किया, उन अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा बुना और फिर इन तीन फंदों को इसके ऊपर ड्रॉप किया, फिर एक फंदा उल्टा, तीन फंदे स्लिप किए, उन अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा बुना और फिर इन तीन फंदों को इसके ऊपर से ड्रॉप किया। तो हमारी पूरी सिलाई इसी तरीके से बनती हुई जाएगी, फिर इन फंदों को ड्रॉप किया, डिज़ाइन इस तरीके से ये बन गया है। एक डिज़ाइन आता, अब इसके ऊपर डिज़ाइन है, अब इसकी उल्टी सिलाई है और आठवीं सिलाई है, तो इसको हम पूरा एक सीधा और एक उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। एक फंदा सीधा और जो डिज़ाइन वाला जो फंदा था इस पे हम उल्टा फंदा बनाएंगे उल्टी तरफ से, फिर एक सीधा, उल्टा फंदा, एक सीधा और एक उल्टा बुनते हुए ये हमारी आठवीं सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो बस इन्हीं सिलाइयों को हम आगे आगे जब रिपीट करेंगे तो हमारा डिज़ाइन इस तरीके से बन के आएगा। तो ये डिज़ाइन आप देख पा रहे होंगे, अब इसके ऊपर यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, तो इन्हीं सिलाइयों को रिपीट करेंगे तब ये डिज़ाइन इस तरीके से बनेगा। तो आपको डिज़ाइन कैसा लगा, मेरे बताने का तरीका आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरे बताने का तरीका पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।